वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आपका स्वागत है। एक कामयाब इंसान होने के नाते समाज के इस समाज की विभिन्न गतिविधियों में आप भागीदार रहते हैं, आप उन सामाजिक गतिविधियों के बारे में क्या जानना बताना चाहेंगे? समाज का जो हमारा काम है वो समाज में बच्चों की शिक्षा, देश के प्रति, और उसमें जो मेन जो हमारा मेन कार्य है वो है कि हर घर में जो भी लेडीज है उसको शिक्षित करना। सबसे पहला काम ये है कि अगर घर में लेडीज शिक्षित होगी तो घर अपने आप ही सुधर जाएगा, उससे समाज अपने आप ही सुधर जाएगा। अगर शिक्षित हो जाएगा तो उससे सारा ही समाज एक पूरी कामयाबी पकड़ेगा उसमें। जी, पिछले काफी अरसे से आप इस शहर में रह रहे हैं और समाज की विभिन्न गतिविधियों में आपने भागीदारी की है, हम जानना चाहेंगे कि आप किन किन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहे हैं पिछले लंबे अरसे से। मैं फरीदाबाद में करीबन 18-19 साल से हूँ। मैं सामाजिक, राजनीतिक और सारे सोशल जो भी काम है उसमें सारी गतिविधियों में हिस्सा लेता हूँ। जैसे गेम्स का है, बच्चों का कंपटीशन है, ब्याह शादी की कोई गरीब कन्याओं का है, गौशाला में कोई भी किसी प्रकार का काम है, इन सारी गतिविधियों में हम पूरा सहयोग करते हैं। अब किन किन पदों पर समाज के किन किन पदों पर आप आसीन हैं आज की समय? आज मैं हमारा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो 1897 से चल रही है, रजिस्टर्ड है वो, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उसके साथ साथ मैं लीगल सेल ये वुमेन राइट्स कांग्रेस आई का वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश का, और बाकी और तमाम कई सामाजिक संगठन है उनमें सारे में पूर्व में अपने हिस्सेदारी देता हूँ। एक विशेष जातिगत समाज के साथ जुड़े हुए हैं या सभी समाज के विभिन्न वर्गों के साथ आपका भागीदारी रहती है? नहीं, ऐसा कोई एक विशेष जाति का नहीं है, पूरे समाज को जहाँ भी जिस भी समाज को हमारी कहीं भी सहयोग की या सहायता की जरूरत है सभी समाज को पूरा सहयोग करते हैं। आप बता रहे हैं कि पिछले 19 साल से तकरीबन आप यहाँ शहर में रह रहे हैं, इससे पहले आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पे आने का उद्देश्य? मैं बेसिकली गांव त्योंठा, जिला कैथल, हरियाणा का रहने वाला हूँ, और मेरी सारी जो एजुकेशन है वो कैथल में हुई है। उसके बाद ये रहा कि एक मन में ठान ली के, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल परिवार से संबंधित हूँ और पूरी भागीदार रही है, जब से स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं हमारे उस परिवार से, पर मन में एक ये था कि भाई खुद ही एक संघर्ष करना है और उस संघर्ष के बलबूते पे अपने आप को की एक पहचान बनानी है कि भी मैं खुद कर सकता हूँ, कि मेरे को किसी की भी कोई जरूरत या किसी की कोई सहायता की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैं वहां से अकेला चल के और दिल्ली और फरीदाबाद में आ गया कि भी मैंने अपने आप ही सेटल होना है। अपने संघर्ष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जब मैं पहली बार दिल्ली में 87 में आया तो मैंने उससे पहले दिल्ली को देखा नहीं था कि दिल्ली है कहाँ पे, सुनते थे खाली कि दिल्ली है कहीं पे, लेकिन मैं दिल्ली में आ गया। दिल्ली में आके मैं अपने किसी परिचित के पास रुका और वहीं से अपने ही दम पे मैंने पूरी दिल्ली को देखा, और 400 रुपये से मैंने दिल्ली में अपनी नौकरी शुरू की। 400 रुपये से लेके और आज भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से, मेरे पास कम से कम भी 30-35 आदमियों का स्टाफ है, और मैं पूरा मल्टीनेशनल बैंकों का और तमाम सारा उसका काम पूरा देखता हूँ। चौहान साहब, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे? मैंने कैथल आरकेएसडी कॉलेज कुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं इधर अपने काम में आ गया, और फिर मेरे मन में था कि मैं एक एजुकेशन को थोड़ा आगे ले जाऊं, और मैंने अब इस एज में 45 ईयर्स की एज में आके आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने ला किया है,
जो कि मैं बच्चों को भी ये कहता हूँ कि बच्चे मेरे साथ, मेरे अपने बच्चे भी मेरे साथ पेपर देते हैं और मैं भी खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, और अभी भी मेरे में ये है कि मैं हो सकता है आगे LLM या कोई ऐसा किसी विषय पे रिसर्च करूँ। तो एजुकेशन का ये है कि एजुकेशन जो है आदमी जितनी भी प्राप्त कर ले वो बहुत ही कम है। सुनने में आया कि आप किसी सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हिंदी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ और मेरे को यूनिवर्सिटी ने पुरस्कृत किया था, जो कि पूरे उसमें मेरे को सम्मानित किया गया परिवार का कोई सहयोग आपके संघर्ष में? है। मेरी धर्मपत्नी है, उनका बड़ा भारी सहयोग रहा है। वो एक ईमानदार और सच्ची, जो कि वो कभी भी एक भी आज तक, जब से मेरे अभी 25 साल शादी होने को हैं, कल परसों ही 6 तारीख को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, इसके तो उनका एक एम है जिंदगी का कि वे कभी झूठ नहीं बोल रहे हैं, और उनकी सच्चाई पे ही, उनकी सहयोग से ही मैं यहाँ तक आज पहुंचा हूँ। ये कहा जा सकता है कि भाई एक सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, महिला का हाथ होता है। तो आपके पीछे आपकी अगर पत्नी अगर का। घर में एक गृहिणी एक बड़ी अच्छी होगी और बड़े उससे होंगे, तो आदमी, मैं कहता हूँ कि वो आदमी कभी पीछे नहीं मुड़ कर देख सकता। भगवान में आस्था रखते हैं? भगवान में मेरी बहुत ज्यादा आस्था है, जहाँ भी मेरे से सहयोग बनता है मैं पूरा भगवान में, मेरी सबसे पहले आस्था है भगवान ने आपको किस रूप में क्या चीज दी? भगवान में। जहाँ भी मेरे को ये लगा कि भाई आज मेरे को कोई किसी चीज की किसी समस्या में है, तो भगवान को अगर हमने स्मरण किया, याद किया, तो भगवान ने जरूर हमें शक्ति दी है वो कभी इस चीज से लड़ने की, या इस चीज के रास्ते की, या ये रास्ता ऐसा है। तो भगवान आदमी को जरूर, अगर आप मेहनत करते हैं या परिश्रम करते हैं, तो भगवान आपको जरूर फल देता है, ये मैं उसमें पूरा यकीन करता हूँ। आपकी जिंदगी का सबसे खुशी का पल कब रहा? मेरी खुशी का पल तो सबसे बढ़िया ये रहा कि मैं अपने बच्चे को बाहर भेजने की सोचता था कि भाई कि मेरा बच्चा कोई बाहर जाके सेटल हो, और मेरी बिटी आज स्विट्जरलैंड में है, मैं उसको ज़्यादा खुशी मानता हूँ। और क्योंकि संघर्ष भी रहा है तो दुख का पल भी देखा होगा, ऐसा कोई दुख का पल जिसको आप एक एहसास के रूप में देखते हैं तो? देखो, दुख सुख ना जिंदगी का एक हिस्सा जुड़ा हुआ है, आते जाते रहते हैं। अगर दुख में आप ज्यादा दुखी होंगे तो और ज्यादा दुखी होंगे। दुख में भी आदमी को खुशी रहना चाहिए और खुशी में भी खुश रहना चाहिए, तो एक जीवन का अच्छा एक पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर आप जिंदगी पॉजिटिव जी रहे हैं। एटीट्यूड होना चाहिए आदमी का। समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी को आने खासकर? वाली पीढ़ी को ये देना चाहेंगे कि भी अपने सबसे ज्यादा मेन जो आने वाली पीढ़ी का है कि बच्चों को अपने सबसे पहले माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, और माता पिता अगर खुश होंगे तो बच्चे अपने आप ही खुशहाल हो जाएंगे और समाज उससे ना उन्नति करेगा। किसी को आपने कोई प्रेरणा स्रोत बनाया कभी अपनी जिंदगी में? प्रेरणा स्रोत मेरे जो रहे हैं, वैसे तो दिल्ली में ही मेरे एक दोस्त भी हैं, वो भी हैं, उन्होंने मेरे को बड़ा वो किया है, उन्हीं की वजह से यहाँ तक आज पहुँचे हैं, उनको भी प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है समाज को लेकर? समाज में की भविष्य की योजना ये है कि समाज को हम शिक्षित और दहेज से रहित, और बच्चों की शिक्षा के लिए, मेन बच्चों का है, अगर बच्चों को आप एजुकेशन पूरी तरह से दे देंगे तो समाज अपने आप ही सुधर जाएगा। समाज में इतना लंबा चौड़ा आपको काम करने की और वो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका परिवार शिक्षित हो जाए तो अपने आप ही स्टैंड हो जाओगे आप, समाज भी अपने आप ही उन्नति कर लेगा उससे। वॉइस ऑफ फरीदाबाद से बात करने के लिए आपका धन्यवाद चौहान साहब, धन्यवाद। धन्यवाद।